दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 18 दिन बाद सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 4 मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार थे। पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि अजय पर 50,000 का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद पहलवान सुशील के चेहरे पर जरा भी खौफ नजर नहीं आया। प्रदेश में कोविड के मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं शनिवार को प्रदेश में कुल 5,021 मामले आए हैं। 11,327 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 58 संक्रमितों की मौत हुई है। रिकवरी रेट जहां 92.45% हो गया है, वहीं मृत्यु दर 1.01% हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 8.53% की दर से लोग संक्रमित हो रहे हैं। 54,538 लोगों के नमूने शनिवार को कोरोना की जांच के लिए लिए गए। 11,091 संक्रमितों की स्थिति गंभीर है। इनमें 892 ऑक्सीजन और 299 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। 47,993 सक्रिय मरीज अभी प्रदेश में हैं। 1 मई 2021 से भारत सरकार द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश में यह प्रक्रिया मई से शुरू हुई है। इसके बावजूद आम जन को खुद को कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी इस परेशानी को झेल रहे हैं। जिन्हें कोवैक्सीन की पहली डोज लगी थी, अब उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। वहीं डॉक्टर सुनिधि का कहना है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लिंक पर अपॉइंटमेंट लेने में परेशानी आ रही है। इसके लिए जिलेवासियों को 5 बजते ही स्लॉट की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि मात्र 5 मिनट में ही सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। वहीं उनका कहना है कि जिले में कोवैक्सीन की कमी जरूर है, लेकिन वो लगातार अपने स्तर पर सभी कोरोना वैक्सीन केंद्रों पर कोवैक्सीन भले ही थोड़ी मात्रा में लेकिन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे पास 18-44 का नेक्स्ट स्लॉट आएगा, तो हम स्लॉट्स ओपन करते हैं ऑन covid.gov.in पर। आप पहले से अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा रखें, और स्लॉट जब 5 से 6 बजे के बीच में खुलते हैं तो 5 बजे ही अपना उसके ऊपर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा लें, क्योंकि विद इन 5-10 मिनट सारे स्लॉट पूरे अम्बाला जिला के बुक हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बिल्कुल .5 बजते ही अपना बुकिंग शेड्यूल कर लें, कहीं जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है वहाँ कर लें। वैक्सीन अभी हमारे हर ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, ये अवेलेबल है पर लेस अमाउंट में अवेलेबल है। और डेली बेसिस पे हम पहले ज़्यादा डोजेस दे रहे थे अपनी फैसिलिटीज़ को, पर जो कि हमारे पास पीछे से ही अभी कम आ रही है, उसके हिसाब से फिर हमने अपनी फैसिलिटीज़ को कम डोजेस दी हैं। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है पर हमारे पास कम अमाउंट में अवेलेबल है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किसान हजारों की संख्या में गाड़ियों पर रवाना हुए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि करनाल में भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में किसान आंदोलन में अलग अलग जिलों में हाजिरी बनी रहे। उनका कहना है कि कोरोना किसान नहीं सरकार फैला रही है। सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर आरोप लगा रही है। सरकार के पास ना एम्बुलेंस की सेवा है, ना बेड की और ना हॉस्पिटल की। अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये काफिला करनाल से इसलिए निकला है ताकि सिंधु बॉर्डर पर हाजिरी बनी रहे, सरकार को ऐसा न लगे कि आंदोलन ठंडा पड़ गया है। सभी किसान वहां लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से सरकार को खत लिखा गया है कि किसान भी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। देश और पूरी दुनिया इस समय कोरोना से जूझ रही है, लेकिन देश में फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अलग अलग राज्यों से रेप और हत्याओं की खबरें आ रही हैं। गुरुग्राम में 38 वर्षीय युवक हरगोविंद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस युवक की हत्या 10 से 15 बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट कर की है। वहीं मृतक की बीवी की शिकायत पर गैंगस्टर राकेश हयातपुर के गुर्गो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में कीमती जमीन और पैसे के लेनदेन का मामला सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।